इंडिया हेडलाइंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा रही है, जबकि शिक्षण कार्य में लगे हुए अध्यापक अध्यापिका अपने दायित्व को निभाने में असमर्थ हैं। मामला आगरा के कस्बा फतेहाबाद के प्राथमिक विद्यालय जाजपुर में स्थित प्राइमरी स्कूल का है, जिसमें हैंडपंप खराब पड़ा हुआ है, जिससे छात्र छात्राओं को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। और वहीं विद्यालय में बना हुआ शौचालय भी पानी के अभाव में बंद पड़ा रहता है। स्कूली छात्र छात्राएं लघु शंका व शोच के लिए खुले में खेतों में जाने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, इस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों के शिक्षण कार्य को भी प्रभावित कर रहे हैं। छात्राओं द्वारा बताया गया कि इंचार्ज प्रधानाध्यापिका सुबह 9:30 बजे आती हैं, तो वहीं ग्रामीण द्वारा बताया गया कि विद्यालय की यही हालत कई महीनों से बनी हुई है। कई बार अध्यापक अध्यापिका विद्यालय में सही समय पर नहीं पहुंचते हैं और शिक्षण कार्य भी सही ढंग से नहीं होता। ग्रामीण ने बताया कि कई बार अध्यापक अध्यापिकाओं से निवेदन किया गया कि आप समय से आया करें, जिससे बच्चों का शिक्षण कार्य सही से चल सके, लेकिन आज तक उन्होंने कोई भी सुधार नहीं किया। उनका वही पुराना रवैया चला रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? विजयपाल। कौन सा गांव है? जाजपुर। अच्छा, मैडम कितने बजे आती हैं स्कूल में? 9 बजे। 9 बजे? कितने बजे का टाइम है? 8 बजे का। 8 बजे? 9 बजे आती हैं। नाम है तुम्हारा? दूरा। कौन सा गांव है? जाजपुर। अच्छा, स्कूल में क्या आपकी समस्या है? स्कूल में सर बहुत सी समस्याएं। क्या क्या? एक तो टाइम स्कूल से ही खुलता है। अच्छा। 9:30 बजे, 9:45, 10 बजे मैडम आती है। टाइम कितने बजे का है? 8 बजे का सर। अच्छा, और क्या समस्या है? समस्या ये है कि कुछ अभी तो ड्रेस ही नहीं बती, ड्रेस 15 अगस्त तक अलाउ थी। किताब बट चुकी? किताब बट चुकी पर ड्रेस नहीं बती है। अच्छा, ड्रेस का तो अनुमान लगाया जा रहा है, मैडम बता रही थी। नहीं, और बच्चे और स्टूडेंट में तो बढ़ती है, कैसे ना बढ़ती।